हेलो फ्रेंड्स, तो हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड योर प्रिपरेशन टू क्रैक योर 12th क्लास CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गुड। तो दोस्तों, आई एम हेयर योर SG सर, हेयर यू टीच यू द बिजनेस स्टडीज ऑफ द क्लास 12th क्लास। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्लानिंग के फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करके रख दिया था मेरे YouTube चैनल पे। आई होप सो कि आपने देख लिया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप क्रैक करने के लिए नियर अबाउट 40% तो रेडी हो गए होंगे पेपर को क्रैक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपना जो प्रीसियस टाइम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बोला जाता है प्लानिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ कि केस बेस्ड स्टडी में भी ये 6 मार्क्स तक का भी पूछा गया है CBSE वालों ने। तो दोस्तों, प्लीज मेरे साथ बने रहना, पेशेंस बनाए रखना, अपन आज इस 6 मार्क्स को टैकल करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 12th वाले बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। अब क्या होता है प्रोसेस में, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भाई, जैसे कि मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भाई मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। लाइक मैं एक मान लो SG सर इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, उसमें मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को 1000 बच्चे पढ़ानी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेट करना, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में काम करना, आप बोल सकते हो काम करना, इन द सेंस कि देखो, मैं फर्स्ट बताता हूँ कि पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑब्जेक्टिव को अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब उस ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, अपन एक राह बनाएंगे, अपन बोल सकते हैं कि अपन एक CD बनाएंगे उसको क्रैक करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसमें, थर्ड पॉइंट बोलता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उस ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए। फिर आप बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट अपन देखेंगे कि कैसे अपन अचीव कर सकते हैं इसको। अपने पास मान लो कि भाई मेरे को 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, तो मैंने मेरे पिछले प्रीवियस आप क्या नाम है पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मेरे मैनेजर ने 3-4 बताए थे, क्या सर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, क्या सर आप क्या कर दो, आप बच्चे से मतलब वो टेस्ट लेना स्टार्ट कर दो, या फिर बोल सकते हो कि आप है ना एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दो, या फिर आप बोल सकते हो कि सर क्या ना आप तीनों चीज स्टार्ट कर दो। ये क्या है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि भाई इन एक्शन को परफॉर्म करके मैं मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कर लूं। थर्ड पॉइंट ये बोलता है। फोर्थ करता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। आप इवैल्यूएट करेंगे, आप जैसे कि भाई ये डिफरेंट मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन आए थे, उनको इवैल्यूएट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। और ये फोर्थ पॉइंट में होगा। फिफ्थ पॉइंट में होगा सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव मतलब वो चीज, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो एक्शन अपन अच्छा वो एक्शन अपन है ना क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो कि अपन को क्या दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे, किसको, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, सिक्स पॉइंट बोलता है इंप्लीमेंट द प्लान। फिर अपन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे उसको अचीव करने के लिए, या फिर बोल सकते हो आप उसको टारगेट करने के लिए अपन प्लान बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फॉलो अप द एक्शन। फिर जो अपन ने एक्शन सेलेक्ट किया ना उसको क्या करेंगे, अपन उसको फॉलो करेंगे। तो ये सारी स्टेप के प्रोसेस है, अब पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है दोस्तों? तो आर यू रेडी? हाँ, मेरे को पता है कि चलो रेडी हो आप। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या ना प्लानिंग है ना एक एडवांस में बताई जाती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यार मान लो कि मैंने भाई एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मेरे को 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसे करूंगा, मतलब मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या करूंगा। मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे को 1000 बच्चे पास करवाने हैं, ठीक है ना? और हाउ इट इज टू बी डन, मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसे करूंगा उसको, मतलब जो ऑब्जेक्टिव मैंने 1000 बच्चों का रखा है, तो मैं हाउ इट इज टू बी डन, मैं उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाऊंगा, कैसे अचीव करूंगा। ये सारी की सारी चीजें कौन बताता है, प्लानिंग बताता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान, सो देयर आर द वेरियस स्टेप दैट द मैनेजर विल फॉलो। ये क्या होता है, ये एक ना प्रोसेस होता है जिससे अपन क्या बनाते हैं प्लान बनाते हैं। फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड
अपन एक मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बनाते हैं, फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन एक डायरेक्शन बताते हैं जिससे कि अपना जो ऑब्जेक्ट है ना उसको अपन जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। और ऑब्वियसली की बात है भाई, अगर आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे, अपन ने मैनेजमेंट चैप्टर में भी यही भी रिवाइज किया था, अगर आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑब्वियस और आपके खुद के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन स्टेप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मैं खोल रहा हूं तो मेरे को मेरे ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव को सेट करना, मेरे को भाई मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मैं किस लिए मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो खोल रहा हूं। ये नहीं है, अब एक बात बताओ, आप पढ़ रहे हो, आप अभी 12th क्लास में हो, आप अभी जुलाई के सेमेस्टर में खड़े हो, मतलब जुलाई पे आप खड़े हो, तो आपको मान लो 90 लेके आने हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके ऑब्जेक्ट भी सेट नहीं है, आपको क्या क्या मतलब इस पढ़ाई से, मतलब आप पढ़ के आपको कितनी परसेंटेज लेके आनी है, अगर आपका वो ही सेट नहीं है तो क्या आप उतनी मेहनत करोगे? नहीं भाई, पास होने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, पास तो ऑब्वियसली की बात है भाई खुद ही सीबीएसई खुद ही कर देती है, क्योंकि 20-20 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं। और आपको मान लो आप कुछ ना कुछ 80 में से 15-20 नंबर का भी अगर अटेम्प्ट करके आए तो ऑब्वियसली की बात है भाई 40% तो आपकी आ सकती है, बट पास होने के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना। आपने कोई एक आपकी परसेंटेज डिसाइड कर रखी होगी, वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको उसी को तो अचीव करना है। तो यही बोला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपन को ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ता है। तो क्या बोलता है, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेट ऑब्जेक्टिव। अपन को ऑब्जेक्टिव सेट करना ही फर्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस के अंदर एक है ना स्टेप होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। लाइक मेरी एसजी सर के नाम से भाई मैं खोल रहा हूँ अगर इंस्टीट्यूशन, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को 1000 बच्चे पास करवाने हैं, तो ये क्या है, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को 90+ लेके आनी है, 99 लेके आनी है, 95+ लेके आनी है, ये क्या है सबके सब ऑब्जेक्टिव है। अगर मान लो आप मार्केट में भी खोल रहे हो दुकान, तो आपका भी एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए करना है, या फिर मेरे को इतनी ज्यादा सेल निकालनी है, इतनी ज्यादा टर्नओवर निकालनी है, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव ही बोले जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, और ये नहीं है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हो आप पर्सनल के लिए कर रहे हो, नो। अगर मान लो आप एक कंपनी में लगे हुए हो और आप देखते हो कि भाई कंपनी भाई बढ़िया कमा रही है, तो आप अपने ये नहीं है कि भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए लगे हो, नो भाई। ऑब्जेक्ट जो सेट होते हैं ना वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होते हैं। लाइक मान लो कि मैंने एक कंपनी खोल रखी है फूड लिमिटेड वाली, तो उसमें मान लो कि मैं जो ऑब्जेक्ट सेट करूंगा ना, मान लो मैं जिसमें अगर इसमें मैं जो कोई ऑब्जेक्ट सेट करूंगा ना वो मैं पूरे पूरी कंपनी के लिए करूंगा, ना कि मान लो कि मेरा एक एम्प्लॉयर है मोहन के लिए करूंगा, नो। मोहन के लिए मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करूंगा, मैं मेरे ऑब्जेक्टिव मेरी कंपनी के लिए सेट करूंगा। क्या भाई मैं हो सकता है कि भाई मैं इस कंपनी को बढ़ाऊँ, एक्सपेंड करूँ, या फिर आज मान लो मैं इसमें ओनली कोल्ड ड्रिंक के लिए मतलब काम कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें कुछ और चिप्स कुरकुरे मतलब ये बनाने के लिए मैं काम करने लग जाऊँ, तो ये क्या है, ये भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई मैं इस कंपनी को बढ़ाना चाहूँगा। तो ऑब्वियसली की बात है कि जो ऑब्जेक्टिव अगर अपन सेट करेंगे ना वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सेट होंगे, ठीक है ना। या फिर क्या फॉर अ ब्रांच, या फिर एक ब्रांच के लिए मान लो कि भाई सेल अपन ने मान लो कोई ब्रांच खोल रखी है, या फिर मान लो कि भाई मैं बोलता हूँ कि ये वाली तो मेरी जूस की फैक्ट्री है, ये वाली मेरी आप बोल सकते हो कि पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है, तो ये अलग अलग भाई जूस के लिए तो ऑब्वियसली अलग ऑब्जेक्टिव सेट होगा, पोटैटो चिप्स की मान लो कोई कंपनी तो ऑब्वियसली अलग ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। मान लो कि मैं और दूसरी कंपनी में एंटर हो जाऊं, तो ये क्या है उनके अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, या फिर कोई डिपार्टमेंट के लिए। मान लो कि भाई मैंने इस जूस वाली कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट बना रखा, मान लो सेल डिपार्टमेंट है, प्रोसेस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग अदर डिपार्टमेंट है, तो भाई ये जो डिपार्टमेंट है ना ये भी खुद के ना खुद के ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। ये अपन ने मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह याद भी होगा कि भाई मान लो कि ये परचेज डिपार्टमेंट वाले ने खुद का ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि भाई मेरे को इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है, सेल डिपार्टमेंट ने खुद का ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि भाई मेरे को 1500 करोड़ की सेल निकालनी है, परचेज वाले ने बता रखा है कि भाई हमको इतना मतलब प्रोडक्ट बनाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बता रखा होगा कि भाई मेरे को हमने
हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, मतलब ये सारे क्या, ये खुद खुद के ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बना सकते हैं भाई एक बिजनेस को अपन रन करने के लिए। और ये सब चीज़ किसके अंदर आती है, ये सब चीज़ आती है आपके प्लानिंग के अंदर। लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग 5000 यूनिट इन अपकमिंग ईयर, या फिर एक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कोई टारगेट है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को 5000 यूनिट अपकमिंग ईयर में बेचनी है। तो ये क्या है, ये सब के सारे सारे ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव एक्ट लाइक अ गाइड फॉर द फ्यूचर बिजनेस। और ऑब्जेक्टिव सेट किसके लिए होते हैं, फ्यूचर बिजनेस के लिए होते हैं, फ्यूचर बिजनेस के लिए। अगर आप मान लो कि आज खड़े हो और आज आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अगर मान लो चूज कर रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को ये ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली की बात है भाई वो फ्यूचर में जाके होगा। आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी, बट आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, फ्यूचर के अंदर मिलेगा। और वो जरूर मिलेगा अगर आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो अगर अच्छी तरह लगी रही तो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपन को ऑब्जेक्टिव सेट करना है ना, तो वो कौन सेट करता है दोस्तों, वो सेट करता है आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट करता है। ठीक है ना, या फिर आप बोल ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट है ना, तो उनके ऑब्जेक्टिव वो खुद ही बना लेते हैं। जैसे कि मान लो परचेज डिपार्टमेंट में परचेज हेड बना लेता है, सेल डिपार्टमेंट में सेल हेड बना लेता है, तो ये सारे खुद ना खुद अपने बनाते रहते हैं क्या, अपने ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव वाला। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपन सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड में है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस पे केस स्टडी बन के आती है दोस्तों, प्लीज अच्छी तरह समझ लेना। तो क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। देखो मान लो कि मैं आज प्लान बना रहा हूं, मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है। ठीक है, मान लो कि मेरी ओपनिंग इंस्टीट्यूट की 10 जुलाई को है। मैंने एक ऑब्जेक्ट सेट किया कि मेरे को 100 बच्चे ना पास करवाने हैं, 100 बच्चे पास करवाने हैं। यार एक बात बताओ, काम तो मैं आज करूंगा ना प्रेजेंट, बट मैं प्लानिंग किसके लिए, प्लानिंग कब की कर रहा हूँ, फ्यूचर की कर रहा हूँ भाई। मैं फ्यूचर की तो प्लानिंग कर रहा हूँ भाई, मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, तो क्या मैं पास करवा दूंगा, नहीं भाई मैं पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब आज प्रेजेंट में मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो भाई मैं फ्यूचर में तो भाई रिजल्ट आएगा, जब भी तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे 100 बच्चे पास हो गए या नहीं हो गए, फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली की बात है आप फ्यूचर के लिए तो प्लान कर रहे हो। फ्यूचर के प्लान लाइक मान लो कि आपको 99% चाहिए, तो उसके लिए तो आज आप पढ़ रहे हो भाई, उसके लिए ही तो आज आप पढ़ रहे हो। अगर मान लो कि आपने पढ़ना छोड़ दिया और आप क्या बात, आप है ना पेपर के एक दिन एक रात पहले पढ़ के आप सोच रहे हो कि मैं 99 ले आऊं, इम्पॉसिबल है भाई, नहीं होगा वो। देखो किस्मत की बात होती है भाई, अगर जो आप पढ़ के गए वो पेपर में आ गया हो, बट इवन मान लो कि आप एक एग्जम्पशन लेके चलो कि जो आपने पढ़ा उससे डिफरेंट आ गया पेपर में, तो क्या आप 99% ले आओगे, नो इम्पॉसिबल है ना। अगर आप आज मेहनत करोगे तो आप ऑब्वियसली की बात है भाई फ्यूचर में जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है उसको तो आप अच्छी तरह अचीव कर लोगे। तो क्या बोलते हैं, सो मैनेजर हैज टू मेक सम अजम्पशन अबाउट फ्यूचर प्लान आर टू बी मेड। तो क्या बनाते हैं कि भाई जो मैनेजर होते हैं ना, लाइक मैंने भाई क्या नाम है 10 जुलाई को ओपन किया और मेरे को 100 बच्चे पास करवाने हैं 12th और 11th के, आप 12th के मानो 12th के बच्चे मेरे को 100 बच्चे पास करवाने हैं, तो भाई मैं क्या बनाऊंगा, मैं अजम्पशन बनाऊंगा भाई मैं जुलाई में स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं ये सोच के करूंगा कि भाई बच्चों ने एक बार जून की छुट्टियों में एक बार सारा रिवाइज कर लिया होगा, या फिर बच्चे आज 60% तक अभी तक स्टिल इतने हैं कि 60% उनको आता है, 40% बच्चे जो कि मैं करवा दूंगा, फिर मैं रिविजन सीरीज लूंगा, टेस्ट सीरीज लूंगा, मैं उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, CBSE के एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्या है, एजम्पशन लेके चलूंगा कि भाई बच्चे ने इतना कर लिया होगा। लाइक मान लो कि एक कंपनी खोल रहा हूं मैं, एक एग्जांपल समझना, मान लो कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूं, ठीक है ना, और भाई मैंने टारगेट रखा कि मैंने 10,000 यूनिट सेल करनी है।
ठीक है ना, 10,000 यूनिट सेल करनी है। और भाई मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मान लो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका ये प्रोडक्ट है, तो मैं क्या एग्जांपल लेके चलूंगा कि भाई जो ये प्रोडक्ट कोई भी बंदा यूज कर रहा है ना, तो क्या उसको टेस्ट एंड उसका टेस्ट है ना, इसको मतलब उस कंज्यूमर को, इस ये कंज्यूमर है इसको है ना, इस चीज़ का टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, और ये मार्केट में सुटेबल होगा। ये सारे के सारे अंजम्पशन मैं लेके चलूंगा, जो एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में लग रहे हैं वो वेल ट्रेंड होंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये क्या, ये भाई मैं एक अंजम्पशन लेके चलूंगा, ठीक है ना, अंजम्पशन। और फिर मैं देखूंगा कि जो भाई मैंने टारगेट सेट कर रखा था, क्या इस अंजम्पशन से मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो दीज अजम्पशन आर नोन एज प्लानिंग प्रीमाइसिस। जो ये अजम्पशन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होती है प्लानिंग प्रीमाइसिस, प्लानिंग प्रीमाइसिस इसको बोला जाता है। अजम्पशन आर नथिंग बट फोरकास्ट। अपन बोलते हैं ना कि अजम्पशन चूज कर रहे हैं, अजम्पशन चूज कर रहे हैं, भाई ये अजम्पशन है ना कुछ नहीं होती, बस एक फोरकास्ट होता है। और फोरकास्ट है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्लानिंग प्रीमाइसिस को डेवलप करने के लिए। फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ता है। फोरकास्ट हेल्प टू जनरेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। फोरकास्ट आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा आपके प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में। फोरकास्ट कैन बी मेड फॉर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ टैक्सेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। फोरकास्ट आपको ये भी बता देगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, रेट ऑफ टैक्सेस क्या है, ठीक है ना, क्या गवर्नमेंट क्या चेंज करने वाली है, क्योंकि आप ऑब्वियसली कि फ्यूचर के बारे में स्टडी कर रहे हो यार। मान लो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे को पता है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं उसके लिए आपको आज प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो यार ये क्या है, मेरे को एक बेनिफिट ये तो है, मैं मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए बेनिफिट ही तो कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। टू मेक द सक्सेसफुल प्लान, फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल प्लान बनाना है तो आपका फोरकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आ गया होगा। दो पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थर्ड पढ़ते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए देखो बहुत ज़्यादा स्टेप आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्शन आते हैं। लाइक मान लो कि मैंने 100 बच्चे पढ़ाने के लिए टारगेट रखा था, ठीक है ना, तो भाई मेरे टीचर या फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि सर आप है ना एक तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, एक एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आप कंपाइलर बना दो, एक एक्स्ट्रा कंपाइलर बना दो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, ठीक है, और एक आप एक्स्ट्रा क्लास लेने लग जाओ बच्चों की। तो ये सारे के सारे मेरे को हेल्प करेंगे किसके लिए, मेरे जो ऑब्जेक्टिव है ना 100 बच्चे पास करवाने के बढ़िया मार्क्स से, उसको कंप्लीट करवाने के लिए। बट मैंने देखा कि भाई मैंने ये एसजी सर है कि मैंने देखा कि ये सारे के सारे तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है भाई। मैंने क्या सेलेक्ट किया, मैंने ये सेलेक्ट किया कि जितने भी मैंने ये मैं जितने भी मेरे पास एक्शन प्लान आए तो मैंने ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, और ये मैं क्या करूँगा इसके अंदर इंप्लीमेंट करूँगा, इन 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो यही कहता है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या बोला गया, वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड अजम्पशन आर मेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो क्या नाम है, अपन ये पास पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आएंगे ना, अपन को उसको स्टडी करना है, अपन को उसको देखना पड़ेगा। द इट इज द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज द ना इट्स द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट देन द मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड टू बी डिस्कस्ड विद अदर मेंबर। अब मान लो कि भाई मैंने देखा कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, या फिर आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट है जो मेरा जो प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ना जो अल्टरनेटिव जो एक्शन है ना उनको स्टडी किया, और मैं मेरे दूसरे मैनेजर, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मेरे दूसरे मैनेजर के साथ डिस्कस किया। लाइक मान लो कि मैं टॉप लेवल पर बात कर रहा हूँ, तो टॉप लेवल में मान लो मैं सीईओ हूँ, बट भाई उनके ऊपर भी मतलब सीईओ के ऊपर भी कोई मतलब मैनेजर होता है या फिर कोई नीचे मैनेजर है, तो मैं उनको डिस्कस करूँगा कि भाई ये सारे प्लान है, इन प्लानों को अपन देख के अपन अपने जो ऑब्जेक्ट है ना उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो यही है कि भाई मैं डिस्कस करूँगा किसी दूसरे बंदे के साथ। उम्मीद करता हूँ थर्ड पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब तो बढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे, इवेल्युएट
अल्टरनेटिव कोर्स। नाउ इन दिस स्टेप प्लानिंग मैनेजर, जो प्लानिंग मैनेजर था ना, वो एनालाइज करेगा द गुड एंड द बेस्ट पॉइंट ऑफ ईच अल्टरनेटिव। अब जो अल्टरनेटिव जो स्टेप अपने पास आए थे ना, प्लानिंग मैनेजर उनको देखेगा कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी बढ़िया लगा, जो भी उसको बेस्ट लगा, जो कि ज़्यादा बेस्ट, मतलब जो कि ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है ना, तो उसको असाइड रख देगा। मतलब लाइक का मान लो कि भाई ये सारे के सारे है ना, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए प्लान थे, ठीक है ना। यहाँ पर आए एक प्लानिंग मैनेजर, कौन, मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई आया। उसने देखा कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है भाई, ये फर्स्ट वाला ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने खुद का बॉक्स बनाया, तो ये फर्स्ट वाले को यहाँ पर डाल दिया। फिर देखा सेकंड वाला गलत है, तो उसने काटा मार दिया, थर्ड वाला भी रहूँगा तो काटा मार दिया, फोर्थ वाला सही लगा उसको तो उसने डाल दिया इसके अंदर, फिर फिफ्थ वाला देखा तो काटा मार दिया, सिक्स्थ और सेवन्थ उसको अच्छे लगे तो उसने इसमें डाल दिए। तो ये क्या करा, उन्हें एसाइड रख दिए सारे के सारे प्लान, ठीक है ना। अब नाउ ईच प्रपोजल ऑफ अल्टरनेटिव विल बी डीपली डिस्कस। अब जो उसने सेलेक्ट करे ना, ये चार पांच जितने भी सेलेक्ट करे ना, उसको क्या करेगा, वो है ना अच्छी तरह डिस्कस करेगा, डीपली में डिस्कस करेगा अमंग मेंबर के साथ। भाई ये जो टॉप लेवल पे था, तो ये इसके नीचे या फिर ऊपर कोई भी बंदे बैठे होंगे, तो उनके साथ ये डिस्कस करेगा एंड चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव और नॉट। अब जो इसने जो सेट किए थे ना, जो यहाँ पर यार सीट जो ये उन्होंने सेट करे थे ना, जो यहाँ पर, फिर वहाँ से देखा गया कि जो मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव था, क्या वो अचीव हो गया या नहीं हो गया। उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं अपन, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नाउ द प्लानिंग मैनेजर और द टॉप मैनेजर विल टेक द डिसीजन टू सेलेक्ट द प्लान विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड लेस रिस्की। तो क्या बताया गया कि है ना, प्लानिंग मैनेजर या फिर टॉप मैनेजर है ना, वो क्या करेंगे, वो ना डिसीजन लेंगे और सेलेक्ट करेंगे किसको, प्लान को, जो कि उसके लिए ज़्यादा की ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर उसकी कंपनी के लिए, या फिर उसकी फर्म के लिए, ठीक है ना, और जो कि लेस रिस्की होगा, रिस्क उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। तो वो स्टेप या फिर वो बोल सकते हैं कि आप वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वो अपनी कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर लगाएंगे, जिससे कि वो अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर सके। समटाइम टॉप मैनेजर कैन सेलेक्ट मोर देन वन प्लान और कॉम्बो ऑफ टू एंड थ्री प्लान। तो भाई समटाइम क्या होता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, मेरी वर्डी है, नहीं तेरी वर्डी है, नहीं भाई मेरी वर्डी है, तो भाई अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, तो क्या करते हैं, जो टॉप मैनेजर होते हैं ना, जो मतलब टॉप लेवल के मैनेजर जो होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, दो या तीन प्लान है ना एक साथ उठा लेते हैं। लाइक मैंने बताया कि 100 बच्चे पढ़ाने थे, तो मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी, एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट कर दी, एक्स्ट्रा होमवर्क भी देने लग गया। ये चीज़ें मैंने क्या करा, दो या तीन मैंने प्लान है ना एक साथ उठा लिए, या ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर छोटी प्रॉब्लम है, अभी छोटी ऑब्जेक्टिव है आपके, मतलब छोटी ऑब्जेक्टिव है अगर आपके, तो आपने एक प्लान में सार लिया, या फिर आपका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने दो तीन प्लान मिक्सअप कर लिए, फिर उसके हिसाब से मैं वर्क करने लग गया। हाँ, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकता है। दे विल अप्लाई वेरियस हिट एंड ट्रायल और वी कैन से वेरियस परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन सेलेक्ट बेस्ट वन। तो ये क्या करता है कि भाई अपन ने जो सेलेक्ट करे ना, तो ये वो क्या बताएगा, वो है ना वेरियस परमोटेशन एंड कम्बिनेशन बताएगा। लाइक परमोटेशन मतलब कि अरेंजमेंट एंड सीटिंग मैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक्शन प्लान भाई मैंने लिया है, तो क्या वो अरेंज हो रहा है, या फिर वो सिलेक्शन में दिक्कत तो नहीं कर रहा ना, ठीक है ना। कम्बिनेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन करना सीधा, कि भाई वो जो मैंने प्लान लिया क्या वो गुड है, क्या मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये ही बताता है। और उसमें से अपन सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वन। भाई मैंने मान लो 3, 4, 5, 6 उठा लिए एक साथ, फिर मैं देखूंगा उन सभी को अच्छी तरह के, भाई सारे के सारे यूज़ हो रहे तो बेस्ट वन है, ठीक है ना। अगर मान लो कि उसमें देखा कि भाई मैंने 6 उठाए थे, जिसमें से 4 यूज बढ़िया हो रहे हैं, फिर उन 4 में से भी देखा मैंने कि यार 2 बढ़िया यूज हो रहे हैं, तो मैंने 2 के 2 लगा दिए, उन 2 को मैंने बता दिया कि भाई मैंने ये मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करा, या फिर ये वाला एक्शन प्लान मैंने यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिफ्थ पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब भाई सारी चीज़ तो हो गई, अपन ने भाई कोर्स ऑफ एक्शन भी ले लिया, अब सारी चीज़ तो हो गई, ऑब्जेक्ट सेट कर लिया अपन ने, प्रीमाइसिस भी कर ली अपन ने,
वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी देख लिए, फिर अपन ने सेलेक्ट भी कर लिया। अब बात करते हैं इंप्लीमेंट द प्लान। अब जो सेलेक्ट किया तो अपन भाई अपनी कंपनी के अंदर वो लगाएंगे, तो नाउ द प्लान विल कन्वर्ट इनटू एक्शन। जो भाई अपन ने जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन खरीद मतलब देखा था, फिर अपन ने सोचा था, अपन उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एक्शन में। दे विल डू वट इज रिक्वायर्ड टू डू, भाई अब वो ई परफॉर्म करेंगे जो अपन चाहते थे, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल ऑल्सो केम इन फीचर, भाई नाउ अदर मतलब अदर फंक्शन जो है ना मैनेजमेंट के, वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, भाई इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि भाई अपन ने जो प्लान बनाया, क्या बता कि वो दूसरे फंक्शन के हिसाब से कंप्लीट हो रहे हो। दिस स्टेप इज मोर कंसर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अब ये वाले जो स्टेप है ना, ये अपन आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, बट डू नॉट फोकस, ठीक है ना। अभी जितना भी अपन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते तो पढ़ते रहने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस आएंगे अपन वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप की फॉलो अप द एक्शन। नाउ चेक वेदर द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल द एक्टिविटी आर परफॉर्म एज पर द प्लान और शेड्यूल। अब जैसे कि अपन ने जो प्लान बनाया था, क्या अपनी जो एक्टिविटी है वो उस प्लान के थ्रू हो रही है या नहीं हो रही, ये अपन चेक करेंगे। ये चेक कौन करेगा, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चीज़ चेक करने के लिए। मॉनिटर द प्लान एंड चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। अब क्या करेंगे, अपन प्लान को मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लानिंग प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपन ने 6 मार्क्स ऑब्वियसली टैकल कर लिए हैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया प्लानिंग के बारे में बोर पढ़ेंगे अपन, प्लानिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आने वाली है। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दिस, और प्लीज़ गिव अप मत करना अपनी लाइफ में। जैसा भी होगा सब देखा जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, प्लीज़ पर डू नॉट गिव अप, ठीक है। और हाँ, MCQ पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं CBSE के लाइन पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।